हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए सुबह का व्यू, छत का दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। अभी सुबह का 7 बज रहा है, यहाँ से सनराइज होता है तो अभी हुआ नहीं है। ये देखिए कितने टाइम, कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं छत पर टहलने के लिए आई थी तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा देती हूँ। ये देखिए से बहुत हल्का हल्का सा ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने टाइम टहलने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं फ्रिज को क्लीन करने जा रही हूँ और ये संडे की क्लिप है मेरी फ्रिज क्लीनिंग वाली। तो मैंने संडे को क्लीन की थी और मैं इसके एक सारे पार्ट्स निकाल के धुलूंगी, जो भी निकल सकता है उतने सारे निकाल लूँगी। और इसमें फ्रीजर में ना बर्फ़ जम जाती है तो मैं इसको निकाल रही थी बाल्टी में कि बर्फ़ निकल जाए, फिर इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो ये सारी निकाली मैंने, कल ही इसको प्रेस की थी तो इसकी सारी बर्फ़ क्या रात में छोड़ देती हूँ, जैसे एक दिन पहले फ्लश कर देती हूँ तो रात में इसको छोड़ देती हूँ तो सारी बर्फ़ निकल आती है, फिर उसको किसी से भी बाहर निकाल सकती हूँ। तो मैं ये भी निकाल के धुल लूँगी, जो फ्रीजर का इससे पानी निकलता है तो बर्फ़ जमी थी तो इनकी भी छुट्टी थी तो इन्होंने भी मेरी हेल्प कर दी थी बर्फ़ निकालने में। हमने कहा आप तब तक बर्फ़ निकाल दो, मैं ये सारा सामान धुल लेती हूँ। तो मैंने सब कुछ जो निकल सकता था सारा कुछ निकाल निकाल के धुल लिया था। मैं ऐसे ही फ्रिज साफ़ करती हूँ, सब कुछ निकाल के धुल लेती हूँ तो अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। और सब्जी जो रखी थी वो खाली कर दूँगी और जो फ्रिज का सामान है फ्रिज के ऊपर रख लिया है तो लगाने में इजी रहता है ना, फटाफट से वहीं से उठाते जाओ और लगाते जाओ। तो मैं यहाँ पर अच्छे से फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ सूखे कपड़े से। पहले मैंने कॉलिन डाल के अच्छे से साफ़ कर दिया था और फिर सूखा कपड़ा लेके उसको अच्छे से पोंछ रही हूँ और सारा सामान पोंछ के अच्छे से सुखा के फिर मैं इसमें लगाऊंगी, पानी नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद मैंने इसमें, आप चाहो तो संतरा या नींबू कट करके रख सकते हैं, बहुत अच्छी स्मेल आती है उसकी। तो मैंने यहाँ पर संतरा कट करके रख दिया था फ्रिज में तो बहुत अच्छी महक आने लगती है धुलने के बाद जब साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर सारा सामान सेट हो गया है। तो अब मैं फ्रिज का फाइनल लुक दिखाती हूँ क्लीन होने के बाद, कितनी अच्छी लग रही है। सामान भी मैंने सेट कर दिया अच्छे से और अच्छे से क्लीन भी कर दी है, सारा कुछ धुल के पोंछ के अच्छे से लगा दिया है, क्लीन हो गई। अभी खाली है, इसको शाम को मैं सब्जी वब्जी लाऊँगी तब रखूँगी। इधर भी सारी खाली है और बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है, ये देखिए। तो यहाँ शाम के डिनर की हो रही है तैयारी। मैं यहाँ पर सब्जी कट कर रही हूँ और यहाँ पर आलू बैंगन की सब्ज़ी कट कर रही हूँ और भिंडी की सब्ज़ी मुझे बनानी है तो मैं पहले आलू बैंगन की सब्ज़ी कट करके छोंक दूँगी, फिर इसके बाद भिंडी कट करके बनाऊँगी और तब तक ये आ जाएंगे, फिर चाय बनाती हूँ। तो इनके आने के पहले मैं सब्ज़ी जी बना के रख लेती हूँ ना तो थोड़ा टाइम मिल जाता है बाद में, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं सब्ज़ी कट करके छोंक दूँगी और फिर इसके बाद चाय पीती हूँ और इनके आने का टाइम भी हो रहा है तो ये आधा घंटा बाद आ जाएंगे, तब तक मेरी तरफ सब्जी की तैयार हो जाएगी। तो ऐसे काम आसानी से हो जाता है ना कि इधर थोड़ा कर लो फिर बाद में कर लो, बाकी एक साथ फिर बहुत सारा काम हो जाता है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। इनके आने के पहले यहाँ सब्जी जी सब बना लेती हूँ और बाद में चाय पी के आटा को, अब चाय पीने के बाद आती आती करके आटा गूंद के फिर इसके बाद खाना रोटियाँ बना लेती हूँ तो बहुत इजी भी रहता और आराम भी मिल जाती है मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका वाजपेयी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, यहाँ डिनर बनने की तैयारी हो रही है और मैं बैगन आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आज शाम को डिनर में बैगन आलू की सब्जी और भिंडी की सब्जी और रोटी बनेगी तो इसमें मेरे ऑयल भी ख़त्म हो गया, अभी के लिए हो गया है। तो मैं बैगन आलू को पहले तड़का लगा देती हूँ फिर भिंडी कट करूँगी और तब तक ये सब्जी बन जाएगी और इसके बाद भिंडी भी यहीं छौंक दूँगी।
मैं पहले से बनाने लगती हूँ ना तो फटाफट से बन जाता, फिर टाइम नहीं लगता है ना। फिर अगर ये भी रखी रहेगी तो भिंडी भी कट कर लूंगी, तो फिर दोनों एक साथ नहीं बनाऊंगी। इसको अभी छोंक दूंगी, तब तक भिंडी कट करूंगी, भिंडी छोंक दूंगी, फिर इसके बाद चाय बनाती हूँ, चाय पीऊंगी। तो मैं फटाफट से पहले बैगन आलू को छोंक देती हूँ। लहसुन भून गया है, जीरा डाल दिया, प्याज डाल दूंगी, थोड़ी सी हींग डालूंगी, बैगन आलू में मेन लहसुन हींग तो जरूर डालना चाहिए, तो जो बैगन होता नुकसान नहीं करता है। तो उसमें मैं ज्यादा ज्यादा लहसुन और हींग बहुत ज्यादा डालती हूँ बैगन आलू में। तो यहाँ पर सारे मसाले भून चुके हैं, प्याज टमाटर और मसाले हल्दी धनिया मिर्चा सब अच्छे से भुन गया है। अब इसी में आलू और बैगन डाल दूंगी। हम लोग चाहे जितना काम करो कभी काम खत्म नहीं होता, सुबह काम स्टार्ट, शाम को काम स्टार्ट, और पूरा दिन काम ही काम बना रहता है। तो इसीलिए इतने टाइम जल्दी डिनर बनाना शुरू कर देती हूँ, सब्जी वब्जी बना कर रख लेती हूँ, तो शाम को थोड़ा रिलैक्स तब भी मिल जाता है। तो इसके बाद अभी ये सब्जी बन जाएगी, भिंडी कट करूँगी, भिंडी छोंक दूँगी, फिर इसका चाय बनाऊँगी, तो नहीं तो फिर बहुत हौच पौच रहती है चाय बनाने में। तो हम लोग की तो ज़िंदगी है काम ही काम, चाहे जितना भी काम करो बट कभी ख़त्म नहीं होता, जितना कर पाओ तो नहीं है। इधर सब्जी देख सकते हैं छुप गई है, इसको मैं थोड़ा सा पानी करके ढक देती हूँ और फटाफट से भिंडी कट कर लेती हूँ। तो मैंने सब्जी को बैगन आलू को उधर छोंक दिया, अब मैं आ गई हूँ रूम में, यहाँ पे आराम से बैठ के भिंडी कट करूँगी। किचन में बनता नहीं ना, फिर खड़े खड़े कट करो, खड़े खड़े खाना बनाओ, बहुत देर लग जाती है। तो मैं यहाँ बैठ के आराम से सब्जी कट कर लूँगी, इसके बाद किचन में जाके छोंक दूँगी। लाइट को पता नहीं क्या हो गया, तो ऐसे इजी भी रहता है, इतनी देर बैठ भी जाते हैं, रेस्ट भी मिल जाता है। तो भिंडी कट चुकी है, अब मैं भिंडी रख देती हूँ, पहले बनाती हूँ चाय और इसके बाद भिंडी को छोंकूंगी। तो पहले चाय बना लेती हूँ क्योंकि इनके आने का टाइम भी हो गया और इधर सब्जी भी बन रही है, तो मैं पहले बनाती हूँ चाय।